सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे थे आपका परसेंटेज का चैप्टर, और जिसमें यानी उसे प्रतिशतता कहते हैं, जिसमें मैंने आपको 6 वीडियो दे दी थी, यानी 6 वीडियोस आपको दे दी थी। पहला वीडियो जो हमारा कंसेप्ट यानी हमने बेसिक्स बताया था उसमें, उसके बाद आपके कंसेप्ट से रिलेटेड कुल सभी वीडियोस आए। ठीक है, अगर आपने एक वीडियो मिस किया है तो आप जाकर देख लेना। अगर ये वीडियो हमारी आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब में जाकर के चैनल का नाम सर्च करना है बेसिक टू टॉप स्टडी। तो वहाँ पर जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर आप जो परसेंटेज नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी वहां पर जाकर के आप सभी वीडियो को एक क्रम में देख सकते हैं। ठीक है, और उनको देखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक वीडियो देखना है, उसमें मान लीजिए मैंने एक कंसेप्ट क्लियर कराया आपका, तो आपको उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जिस किताब से भी करना चाहो उस किताब से आप करो। ठीक है, वैसे मैं प्रीफर करूंगा कि आप किरण की या राकेश सर की किसी की किताब लेकर उससे आप प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आप किसी से भी लाओगे वहां से आपका क्वेश्चन हल हो रहा होगा। ठीक है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी टाइप आपके डिस्कस हो जाते हैं एक वीडियो में, मैं कोशिश करता हूँ कि दो टाइप आपके डिस्कस हो जाए, वरना एक टाइप तो आपका डिस्कस हो ही जाता है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ जिससे कि आप भी बोरियत महसूस करें, आपको देखने का मन ना करे उसको वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो आपका मन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए छोटा सा ही वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, आप एकदम एंजॉय एंजॉय के साथ उसको देख सकें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा लगे तो आप क्या करना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे क्वेश्चनों को जल्दी से हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका आ जाता है यानी 13, इससे पहले आपके 12 तक हो चुके हैं आपके। ठीक है, ये 13वां है, तो इसमें आप देख रहे होंगे तो इसमें लिखा है एक सिनेमा हॉल में टिकट के मूल्य में क्या कर रहा है, टिकट यानी टिकट बिक रही है उसमें टिकट के जो मूल्य है उसमें क्या कर रहे हैं, ये 30% की क्या हुई है, इनकी वृद्धि हुई है, 30% की वृद्धि हुई है। यानी जो टिकट के मूल्य मान लीजिए पहले 100 रुपए की टिकट चलती थी, तो अब उसमें 30% की आप वृद्धि कर दोगे तो 130 की चलने लगेगी। ठीक है, यानी 130 की चलने लगेगी वो टिकट एक। अब कह रहे हैं तथा दर्शकों की संख्या में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पहले जो दर्शक आते थे मान लीजिए 100 आते थे तो उसमें 120 आने लगेंगे, यानी 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो सिनेमा हॉल के मालिक यानी जिसने सिनेमा हॉल बनवाया है उसका जो मालिक है वो कह रहा है कि इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी जो इनकम होगी, जो उसकी सैलरी होगी, जो दर्शकों से और टिकट के दर्शक आते होंगे टिकट लेते होंगे उनसे जो उसकी सैलरी बनती होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हमें निकालने के लिए हमको एक आसान सा फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 13वां सवाल हो जाएगा ये, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर मूल्य लिखना, पहले हमें मूल यानी जो टिकटों का मूल्य है, ठीक है, या मूल्य लिख लीजिए आप, टिकटों का मूल्य लिख लीजिए की बात है, और यहाँ पर गुणा में क्या लिखा है, दर्शक, दर्शक कितने हैं। ठीक है, मान लीजिए एक टिकट बिची और एक ही दर्शक आया तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, यानी एक टिकट मान लीजिए 100 रुपए की थी और एक ही क्या आया, एक दर्शक आया तो 100 एकम 100 यानी 100 रुपए उसकी कम पाएंगे, तो बराबर में क्या हो जाएगी उसकी इनकम, इनकम इसकी मालिक की। अब देखिए क्या कह रहा है, मूल्य में जो टिकट का मूल्य था उसमें 30% की वृद्धि हुई, यानी पहले जो 100 मूल्य था अब वो कितना हो गया 130, पहले जो 100 मूल्य था वो कितना हो गया 130। फिर कह रहा है कि दर्शक जो हैं, क्या कह रहा है, दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले दर्शक मान लीजिए मैंने 100 माने तो फिर 100 से कितने बढ़ के हो जाएंगे, तो 120। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो अब इनकम, पहले इसकी कितनी इनकम चल रही थी, तो ये इसकी इनकम हो रही थी कितनी, 10,000 रुपया इनकम हो रही थी, अब इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसका आप गुणा करेंगे इसमें तो 12 36 की 6 और 12 एकम 12 12 और फिर इतना हो जाएगा 3 15, यानी इसमें 2 0 और लगा देंगे कितना हो जाएगा 15,600 रुपये। पहले जो इसकी इनकम हो रही थी कितनी, 10,000 रुपये,
और अब जो इनकम हो रही है उसकी वो कितनी हो रही है 15,600। तो आप इसमें देख सकते हो टोटल कितना अंतर आ रहा है, 5,600 रुपए का क्या है आपका अंतर है, कितने का है 5,600 रुपए का आपका अंतर दिया हुआ है। अब देखिए तो इसमें क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इनकम कितने परसेंट घट जाएगी या कितने परसेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इनकम पे देखते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो परसेंटेज निकालते हैं इनकम की, तो 5,600, ठीक है 5,600 इनकम है। अब कितने पे है, पहले वाले पे निकालेंगे क्योंकि पहले वाले पे ये बढ़ी हुई है, तो पहले वाले में निकाले तो 10,000 नीचे रखना हमको, गुणा में लगाना है 100। ठीक है, तो अब इसमें काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो कितनी 56% क्या हुई उसकी रकम जो थी वो हो गई इंक्रीज, इंक्रीज ठीक है, यानी वो बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई 56% क्या हुई उसकी इनकम, क्या हुआ 56% उसकी इनकम बढ़ गई पहले से। ठीक है, अगर यहीं पे माइनस का आता तो वो घट जाती, तो 56% इनकम उसकी बढ़ गई है क्योंकि उसकी जो क्या हुआ है इसके दर्शकों की संख्या बढ़ गई है। अगर दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर उसने दर्शकों की संख्या बढ़ा दी, यहाँ पर उसने मूल्य में बढ़ोतरी कर दी, तो उसे लाभ ही लाभ होना था कि नहीं होना था, अब बताइए। पहले जो वो 100 रुपए की बेच रहा था टिकट, अब वो कितने की बेचने लगा, 130 रुपए की, तो इसमें से 30 रुपए बढ़ा दिए हर टिकट पर। यहाँ पे जो पहले 100 दर्शक आते थे अब वो 120 दर्शक आने लगे, तो बताइए इसमें भी उसकी बढ़ गई। अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, तो उसके इनकम भी बढ़ेगी, उसकी परसेंटेज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, उतार लीजिए इसको और इसे मैं डाल देता हूँ, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब से मैं डाल देता हूँ, आपने उतार लिया हो। देखिए तो अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक डीलर का कमीशन, कमीशन है जो वो कमीशन ले ले रहा है किसी से, कोई चीज को बेचेगा तो कमीशन उसे छूट मिलेगी, उस पर कमीशन ले लेगा, 20% से बढ़ाकर 25% हो गया। क्या हुआ, 20% से बढ़कर वो 25% पहुंच गया, जो पहले वो 20% कमीशन उसे मिल रहा था उसे अब 25% मिलने लगा है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी जो उसकी पहले आय थी अब वही आय फिर भी है, जबकि उसका 20% से 25% कमीशन हो गया है, फिर भी आय वही है उसकी, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा पड़ा होगा, यानी व्यापार में कितना घाटा आया होगा जिसकी वजह से उसे इसकी इनकम जो कमीशन था उसे बढ़ाना पड़ा, फिर भी उतना ही उसकी इनकम रही। तो कैसे, जैसे यहाँ पे जो डीलर है उसका कमीशन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कमीशन, ठीक है कमीशन, और यहाँ पर मैंने लिखा पर्सन कितने होंगे उन पर तो उसे कमीशन मिलेगा। ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर उसकी हो जाएगी इनकम, ठीक है इनकम, तो यहाँ पे पर कितना कर दिया, 20 से ले जाकर उन्होंने, 20 से ले जाकर उन्होंने कर दिया 25, और यहां पर कितना, पहले मैंने 100 मान लिया, तो कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, और यहां पर मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन की संख्या कितनी बढ़ रही है घट रही है हमें नहीं मालूम। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए ये 2,000 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2,000 ही रहने दो। अब यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, एक्स इक्वल टू 2,000/25, 25 × 200 यानी 80% आया। ठीक है, तो 80 यानी कितना घट गया, 20% घट गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कितना आ गया, 80, कितना आ गया एक्स 80, तो कितना घट गया 20, तो 20% की डिक्रीज हो जाएगा, 20% डिक्रीज यानी कम। ठीक है, 20% क्या हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इनका निकाल सकते हैं कि इसमें कितना घाटा हुआ, कितनी ये बढ़ गया कितना घट गया, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो अगली वीडियो में आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।